अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ साजिद मुगल फ्रॉम लर्न विद पर्पस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, इसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के जो फंक्शंस हैं उन सबको मैंने समराइज़ किया है कि कौन से ऐसे 10 फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हुए तकरीबन एक्सेल में 80% तक की हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है तो इसलिए ये आम है कि इसमें जो है ना, आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक तमाम ऐसे फंक्शंस के हवाले से सीखेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो है सिंपली सम का फंक्शन ना। ठीक है, तो सम का फंक्शन बेसिकली जो होता है ये ऐड करने के लिए यूज़ होता है किसी भी मसलन वैल्यूज़ को। जैसे हमारे सामने ये डेटा आ रहा है, हमारे सामने ये एक प्रोडक्ट्स हैं और उसकी हमने उसके सामने सेल्स दिखाई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आखिर में टोटल करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लाइक दिस हम यहाँ पर टोटल करते हैं एज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे एज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये पूरी रेंज यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने इसका टोटल डिस्प्ले कर देगा कि आपका जो टोटल सेल्स है वो इतनी है। अब यहाँ से हम इसको अगर अपडेट करेंगे तो ये ऑटो जो है यहाँ से इसको अपडेट कर रहा होगा। अगर हम किसी कोई माइनस में हमने यहाँ पे कोई नेगेटिव सेल्स अगर हम जैसे डाल लें तो इसको भी उसके हिसाब से वो माइनस कर रहा होगा। ये इसकी इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो सम का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैल्यूज़ होती हैं ना उनको जो है एकदम से एक साथ जो है ना इसको टोटल करवा देता है। अब जैसे अगर हमने यहाँ पे ये लिखना होता, दूसरी तरह से हम इसको अगर हम करना चाहें वो ये हम कर सकते हैं, दिस प्लस 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 दिस। तो इस तरह से आप देखें आंसर तो हमारा सेम आएगा, लेकिन अगर जब वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो छोटा सा डेटा थोड़ा सा, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो है ना ये सम का फंक्शन वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमारा जो फंक्शन है वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम डेटा वैलिडेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक लिस्ट यहाँ पे लगाऊँ, तो उसके लिए मुझे डेटा में जाना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करना है आपने, और उसके बाद लिस्ट सेलेक्ट करना है, और सोर्स में आपने क्या देना है, या अपनी जो प्रोडक्ट है हमारी ना इसका पूरा पूरा कॉलम जो है ना उसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ओके कर दें। अब आपके सामने मैं इसको थोड़ा कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब ये सामने एरो का निशान बना हुआ आ गया, तो मतलब ये है कि अब यहाँ पे हम इसकी ड्रॉप डाउन हमारे सामने बन के आ गया, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ड्रॉप डाउन का फंक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके पास सम एफ है, ये हमने जो सम किया था वो तो हमने सिंपल सम किया था कि इस तमाम वैल्यूज़ को टोटल करके दिखा दो। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो सम एफ है, सम एफ का मतलब है कोई कंडीशन हम लगाएंगे इसके ऊपर कि हमें स्पेसिफिक किसी एक प्रोडक्ट का टोटल करके दिखाओ। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे चाह रहे हैं इज इक्वल टू सम एफ का हम फंक्शन लगाते हैं, और सबसे पहले हमें रेंज देंगे, रेंज हमारा क्या है वो पूरा टेबल है। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारी ये ऊपर वाली सेल में जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो होगी। ठीक है, और उसके बाद हमें सम रेंज हमें कहाँ से उठा के देनी है इसने, वो है सेल्स में से। ठीक है, और इंटर कर दें। अब आप ये देखें मैंने यहाँ पे टैबलेट सेलेक्ट किया तो इसने मुझे इसकी सेल दिखा दी कि इसकी टोटल जो सेल्स है वो है 35। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट जैसे चेंज की, तो ये जो है ये सम एफ का जो फंक्शन होता है ये बेसिकली कंडीशनल होता है कि किसी स्पेसिफिक जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसी से रिलेटेड उसको ये आपको टोटल करके दिखा रहा होता है। अब जैसे यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो ये सेल्स उसी की सेल्स आपके सामने डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, सम एफ का फंक्शन ये काम करता है। उसके अलावा एवरेज का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवरेज। तो एवरेज के लिए हमें क्या, सिंपल आपने एवरेज इज इक्वल टू ए वी ई आर ए जी एवरेज लिखना है, और ब्रैकेट ओपन करना है, और यहाँ पे ये टोटल जितनी भी आपकी वैल्यूज़ है ना इन सबको सेलेक्ट करवा देना और इंटर करवा देना। अब ये देखें आपकी जो एवरेज सेल है वो है 35 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से चेंज किया तो एवरेज सेल भी आपकी अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, लाइक मैंने चेंज किया तो ये इस तरह से। ठीक है, तो एवरेज का फंक्शन हमें इस एवरेज के फंक्शन को इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एफ़ का फंक्शन जो होता है वो कंडीशनल कंडीशनल फंक्शन होता है। ठीक है, हमें इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी रख सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन भी रख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी दुरुस्त है तो ये करो, ये करो, वो करो। उसमें ये होता है कि एक आपकी कंडीशन में ट्रू होता है, दूसरा फॉल्स का पार्ट होता है। अगर आप जो आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अगर वो सही नहीं है तो फिर इसका दूसरा एल्स पार्ट आपके सामने डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, लाइक अगर आप किसी को कहते हो कि जाओ लाइब्रेरी में, वहाँ मुझे एक रेड कलर की एक बुक है वो उठा के ले आओ। ठीक है, अब एक बंदा जाता है तो वहाँ नहीं मिलती अगर, तो वापसी रिटर्न आ जाएगा, तो या फिर उसको बता दो कि आप रेड कलर की बुक नहीं मिली तो ब्लू कलर की बुक लेके आ जाओ। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इज़ इक्वल टू एफ, मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि अगर हमारी
हमारी एवरेज सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 30 है। अगर हमारी एवरेज सेल ग्रेटर देन 30 है तो यहाँ पे एक प्रिंट करवाओ, क्या नाम प्रिंट करवाओ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ गुड, कि आप हमारी हमारा सेल्स स्टेटस अच्छा है। तब ये हमसे पूछ रहा है कि अगर ग्रेटर देन 30 है तो फिर तो गुड प्रिंट करो। अगर अगर ये दूसरी इस कंडीशन क्या हो सकती है कि वो लेस देन 30 हो सकती है, ठीक है, तो फिर क्या करो, तो फिर उसके लिए कर देते हैं हम पुअर, एक रिमार्क हम यहाँ पे पास करवा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे रिमार्क लिख देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे रिमार्क लिख दिया। तो ये मैंने सिंपल आपको जो है ना एक एफ फंक्शन की एग्जांपल दी है कि एफ फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। यानी हमने इसको ये कहा कि अगर हमारी एवरेज सेल वो ग्रेटर देन 30 है तो हमें गुड का यहाँ पे रिमार्क्स दे दो, और अगर वो 30 से बिलो है तो हमारा यहाँ पे पुअर का आ जाएगा। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे एवरेज सेल, यहाँ पे मैं काम करता हूँ इसकी, ठीक है। अब आप देखें हमारी एवरेज सेल जो है वो क्या आ रही है, 28 आ रही है, ठीक है। तो इसने हमें रिमार्क्स यहाँ पे पास करवा दिया कि पुअर है, यानी सेल्स हमारा स्टेटस जो है वो पुअर है। अच्छा, जूँ ही जो है ना ये 30 से अबव हो जाएगी तो हमें यहाँ पे गुड का रिमार्क्स पास करवा देगा। तो एफ़ की, एफ जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लॉजिक्स इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं एफ़ के बाद हमारा काउंट एफ है। तो काउंट एफ का जो फंक्शन होता है ये स्पेसिफिक किसी चीज़ को काउंट करवाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसमें से हमारे सामने जो है मोबाइल कितनी बार जो है ना, मोबाइल कितनी बार हमारे सामने यहाँ पे आए। सपोज़ हम यहाँ पे इसको भी मोबाइल कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम जो है डीवीडी कर देते हैं। लाइक हम चाह रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ़ का मैंने फंक्शन लगाया है यहाँ पे। मैं इसको ये चाह रहा हूँ कि रेंज हमारी क्या है, मुझे रेंज देनी है ये वाली, ठीक है, और मुझे क्राइटेरिया ये वाला देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मोबाइल कितनी बार आया यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देखें मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, मोबाइल से मैंने कोई और प्रोडक्ट लिखी जैसे डीवीडी लिखा, तो यहाँ पे इसने प्रिंट करवाया मुझे क्या, टू। इसने काउंट करके दिखा दिया कि डीवीडी जो है वो 2 बार सेल हुई है, ठीक है। अब मैंने कोई और प्रोडक्ट लिखी यहाँ पे पीसी जैसे लिखा, तो इसने मुझे 1 प्रिंट करवाया, यानी कि जो है आपकी पीसी जो है वो 1 टाइम सेल हुआ है, ठीक है। तो ये काउंट इफ का फंक्शन इस तरह से यूज़ होता है। अच्छा, काउंट इफ का फंक्शन जो बेसिकली यूज़ होता है ज़्यादातर वो अटेंडेंस शीट के अंदर यूज़ होता है, यानी कि लीव कितनी है, एबसेंट कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, तो उन सबको आप जो है ना वहाँ पे काउंट करवाते हैं इसकी मदद से, काउंट ऐप की मदद से, ठीक है। और उसके बाद लुकअप का फंक्शन है। लुकअप का जो फंक्शन होता है ये होता है बेसिकली किसी चीज़ को सर्च करवाने के लिए ना, ठीक है। लाइक हम यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करवाना चाह रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पे जो है ना इनवाइस नंबर एंटर करा दिया ना, ठीक है। ये हमारी इन्वाइस हैं जो मुख्तलिफ टाइम में हमने बनाई है। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम इन्वाइस नंबर लिखें और उसकी सेल्स हमारे सामने आ जाए, सही है। और तो ये इस तरह से आ सकती है, तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम इनवाइस नंबर लिखेंगे। तो यहाँ हम फंक्शन लगाएंगे वी लुकअप का, ठीक है। लुकअप हम करवाएंगे, लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे इनवाइस नंबर से करवाएंगे, ठीक है। और टेबल एरे हमारा जो है वो ये है, पूरा टेबल आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और हमारा इसके बाद पूछ रहे हैं हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अब हम जो वैल्यू लुकअप करवाना चाह रहे हैं वो कॉलम इंडेक्स नंबर 3 पे है ना। ए 1 हमारा इनवाइस है, कॉलम नंबर 2 प्रोडक्ट का है, और 3 जो है वो किसका है, वो है सेल्स का, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच करवाना है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब देखें यहाँ पे 1 आ गया, 1 हमने लिखा तो इसने बता दिया कि हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है इनवाइस नंबर 1 पे, वो 50 की हुई है। हमने यहाँ 2 लिखा, हमने यहाँ 3 लिखा, और इस तरह ये आपकी सेल्स आ रही है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पे प्रोडक्ट को भी लुकअप करवा सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है। लाइक मैं इसी फंक्शन को F2 दबा के आप कॉपी करें, ठीक है, कंट्रोल सी करें और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, और यहाँ पे कॉलम नंबर को चेंज कर दें, जस्ट 3 से 2 कर दें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो इसने मुझे दिखा दिया कि 3 पे जो है DVD सेल हुई है 30 की, ठीक है। मैंने 2 लिखा तो इसने मोबाइल दिखा दिया, मैंने 1 लिखा तो इसने फिर मोबाइल दिखा दिया क्योंकि मोबाइल ही है, ठीक है। मैंने 8 लिखा तो ये इसने मिसलिनियस वगैरह कोई माइक वगैरह जिस तरह से सेल हुआ है, ठीक है। तो ये काम करता है लुकअप का फंक्शन। अच्छा जी, उसके बाद हमारा मैच का फंक्शन। अच्छा, मैच का फंक्शन जो बेसिकली यूज़ होता है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है ना। जैसे हमारे सामने 2 वैल्यूज़ आ रही होती हैं, एक हमारी साइड पे आ रही होती है और एक दूसरी साइड पे आ रही होती है, ठीक है।
अच्छा देखें, यहाँ पे इस तरह से जैसे हमारा कैश बुक में हमने कुछ एंट्रीज़ की हुई हैं और पासबुक में हमने एंट्रीज़ की हुई हैं, ठीक है। हम दोनों का अगर यहाँ पे हम सम करवाते हैं तो ये हमारा पासबुक का बैलेंस है और ये हमारा कैश बुक का बैलेंस है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना। डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, 68 का। अब हमें डिफरेंस जो है ना फाइंड आउट करना है सपोज़, ठीक है। मैंने सिंपल सी एग्जांपल ली है कि हम किस तरह से इसको जल्दी से जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैच का फंक्शन लगा सकते हैं। मैच का हमने फंक्शन लगाया तो हमारी लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा लुकअप रे, हम यहाँ से ये वैल्यू उठाएंगे और इस वाले पूरे रे में इसको सर्च करवाएंगे, ठीक है। F4 दबा के फ्रीज़ कर लेंगे और मैच टाइप हमारी ज़ीरो है, यानी कि एग्जैक्ट मैच करवानी है, ठीक है। अब आप ये देखें, इसी को जो है नीचे तक आप इसको कंट्रोल डी कर दें तो आप ये देखें आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो 10 है वो वैल्यू मैच नहीं हो रही, 5 जो है वो उसमें मैच नहीं हो रही, इस तरह 2 जो है वो वहाँ पे मैच नहीं हो रही, ठीक है। अब इसी को इस तरह से करके आप डेटा सॉर्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो है ना लास्ट वाले कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग करवा दी। अब ये देखें फाइनल जो आपकी वैल्यूज़ आपके सामने आ गई, ये इसकी जो हमने पासबुक पे चूँकि अप्लाई किया मैच का फंक्शन, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे एच नहीं हो रही, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं कि 10 वहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा, 5 हमने क्यों नहीं लिखा, 2 हमने क्यों नहीं लिखा, ये किस चीज़ का बैंक चार्जेज हैं या क्या चीज़, ठीक है। तो मैच का फंक्शन इस तरह से यूज़ होता है। और कैनकेटीनेट का फंक्शन, कैनकेटीनेट का फंक्शन बेसिकली होता है टू स्ट्रिंग्स को या टू सेल्स को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे जो है ना कुछ देना चाह रहा हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ फुल नेम, सही है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ फुल नेम, ठीक है। अब जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने साजिद और लास्ट में मैंने लिख दिया मोगल, ठीक है। अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कैनकेटीनेट के ज़रिए हमें यहाँ पे फुल नेम को प्रिंट करवा दें। कैनकेटीनेट का फंक्शन मैं लगाऊंगा फर्स्ट नेम, ठीक है, और कॉमा लगा के सेकंड नेम। तो आप ये देखें साजिद मुगल प्रिंट हो के आ गया, लेकिन मज़े का नहीं है, उसकी वजह ये इसने बिल्कुल इसको मिला दिया, तो हम ये जा रहे हैं मिला मिला ही नहीं। तो कॉमा के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएं और छोटा सा स्पेस दें और उसके बाद फिर कॉमा लगाएं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे आपके सामने यहाँ पे इसको इसने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो कैनकेटीनेट का फंक्शन जो है वो इस तरह से यूज़ होता है। और लास्ट हमारा जो फंक्शन है वो है इमेज लुकअप का, ये थोड़ा सा टेक्निकल फंक्शन है, इस पर थोड़ा सा आपको सही से फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं पहले डेटा बनाता हूँ। अच्छा, पिक्चर लुकअप करवाने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी। लाइक मैंने यहाँ पे इसके कुछ इमेजेस वगैरह इसकी मैंने अपडेट कर दी हैं, ऐसे आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस अपडेट कर दोगे, सही है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे इस तरह से लुकअप बनवा रहा हूँ कि मैं इन्वाइस नंबर इंटर करूँगा और ये मुझे पिक्चर दिखाएगा इसकी, कि इस इन्वाइस पे कौन सी पिक्चर यानी कौन सी आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल्स हुई है, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे शीट नंबर 3 पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ इन्वाइस नंबर इंटर करूँ यहाँ पे, ठीक है, और मुझे यहाँ पे पिक्चर दिखा दे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जाएँ, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, पिक्चर पे क्लिक नहीं करना, लेकिन इसकी बैक वाला जो सेल है ना उसके ऊपर आपने पूरे को सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल सी आपने करना है, ठीक है। ये सेलेक्ट हुआ आपके सामने और शीट नंबर 3 पे आएँ और यहाँ पे आपने पेस्ट में जाना है, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में जाके इसका लिंक पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने पिक्चर का लिंक जो है वो पेस्ट करना है, ठीक है, यानी कि हमारे सामने यहाँ पे पूरा पिक्चर का लिंक आ गया। अब जब वहाँ पे कोई भी पिक्चर आएगी वो उसको यहाँ पे हमें दिखा सकेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे सिंपल सा, ठीक है, इंडेक्स का हम फंक्शन बनाएंगे। इंडेक्स आप लिखें और उसके बाद हमें एरे हमें कौन सी देनी है, ये हमारा पूरा एरे में हमारा ये पूरा टेबल हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट टेबल, ठीक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे मैच करवाएंगे, मैच करवाएंगे हम किससे, हम मैच करवाएंगे अपनी, सबसे पहले हमारी ये वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लुकअप अरे हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू हमारी इनवाइस की होगी ये जाके वैल्यू देखेगी इस वाले फर्स्ट वाले हमारे कॉलम में से, ठीक है। और इसको हमें एग्जैक्ट मैच करवाना है तो यहाँ हम ज़ीरो लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमें यानी फोर्थ नंबर हमें हमारा जो कॉलम है उसमें हमारी पिक्चर है, तो हम यहाँ पे 4 हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है एक फंक्शन की। तो यहाँ पे जो हमारा ये सेल है इसका हम यहाँ पे देखें कोने में, आप देखें बिल्कुल यहाँ पे लिखो K9 ना, तो इसको हम यहाँ पे सेल का नाम दे देते, हमने इसका नाम दे देते IMV,
ठीक है, यानी कि हमारा ये इनवाइस है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इसमें चेंज हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो हम दोबारा इसको सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें इस पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो ये INV हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको पूरे को आप सेलेक्ट करें कंट्रोल सी की मदद से या कंट्रोल एक्स की मदद से, ठीक है। और उसके बाद ये आप फार्मूलाज में जाएँ, नेम मैनेजर में जाएँ, यहाँ पर न्यू मैनेजर बनाना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे अपने वैल्यूज़ की वही वाला फार्मूला यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ इसका नाम लिखना है क्या, इमेज, इमेज लुकअप, इमेज एल में लिख देता हूँ, ठीक है। ओके कर दें आप, क्लोज़ कर दें। अब ये वाली जो पिक्चर है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ ऊपर फार्मूला बार में जो लिखा हुआ है इज इक्वल टू प्रैक्टिकल वगैरह, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दें इज इक्वल टू किसके साथ, जो अभी आपने मैनेजर बनाया है इमेज एल, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे, टू लिखा मैंने तो टू पर भी यही है, तो मैंने थ्री लिखा तो थ्री पे जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये कुछ DVD बनी हुई आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप पिक्चर लुकअप करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आज का हमारा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी आपको कहीं से भी कुछ भी लगी है तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका। इसके अलावा अगर आपको एक्सेल में कोई भी किसी किस्म की कोई और फंक्शन से रिलेटेड अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट में आप पूछ लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।